जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान नेशनल अवार्ड विनर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, सहाफत एक पाक साफ और बेहतरीन पेशा है, लेकिन इस पेशे में कुछ गलत लोग भी दाखिल हो गए हैं जो सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा सोशल मीडिया और वेब मीडिया के जरिए कोरोना में ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए पल पल की न्यूज आपको दे रहे थे, और आज भी ईमानदार सहाफी भी मौजूद हैं, लेकिन चंद एक की तरफ से ऐसे लोगों का नाम खराब हो रहा है। तनवीर अहमद जो हॉक मीडिया के जिम्मेदार हैं, इन्होंने ब्लैकमेल करते हुए पैसों का मुतालबा किया, अब इसकी प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तकरीबन लोगों को ये जानकारी है इस बारे में, अब्दुल सलाम शरफन साहब के बारे में, और कभी हम कोई एलिगेशन नहीं करे हैं इसके बारे में, कोई प्रॉपर्टीज के बारे में। और मैं परचेस लैंड है वो परचेस खरासों हूँ, ना वो कोई गवर्नमेंट लैंड है, ना वो सक्सेशन जो उन्होंने बता रहे हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना हमारी कोई फैमिली का ताल्लुक है उससे। हम उनको यही बोले, साहब इसके बारे में आप जो भी बात करना है मिल के बात करो, बोलेगा तो जो मेरे से डिमांड रखे थे वो बहुत बड़ी डिमांड रखे, और ख़ास करके जो है सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया सबको बताते हुए जो है उन्होंने मिसप्लीडिंग कर रहे हैं कि इसके अंदर 10-15 मीडिया वाले हैं, उनको इतने पैसे देना है, उतने पैसे देना है। परहाल वो होते होते कम होते 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 जो 10 लाख बोले, फिर उसके बाद 5 लाख बोले, फिर उसके बाद जो है 1 लाख में तय हुआ। फिर उन्होंने लोकेशन डाले, मेरे को बुलाए, फिर उनसे जो मेरी बातचीत हुई, जो मेरे पास एविडेंस है, और मैं हमारे जो शहर हैदराबाद के कोतवाल है CV आनंद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मुतालिका DCP साहब, ACP साहब, और हमारे जो रेनबाजार पुलिस इंस्पेक्टर सर्कल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारी फैमिली को, हमारी बहन को, हमारे भाइयों को जो बदनाम करने की साजिश कर रहे थे उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छा ताउन किया, और उन्होंने जो डिमांड करे थे उसके ऊपर 70,000 में तय हुआ था, उसके ऊपर जो है फिर मैं उनको लेके जाके हाथ में दे दिया, ले लिए उन्होंने। लेने के बाद फिर मेरे से एक 20 मिनट डिस्कस करे उन्होंने, पैसे वगैरह जो लेने के बाद डिस्कस करके एक दो जनों का नाम बोले, एक बहादुरपुर के कोई नवाब है बोल रहे हैं और एक कोई एडवोकेट है बोल रहे हैं, तो वो भी मैं उनसे जो 20 मिनट डिस्कशन हुआ वो भी मेरे पास उसके एविडेंस है, और मैं उनके ऊपर जो है जो एक्सकर्शन उन्होंने करे हैं मैं इज्जत दवाई का दावा डालने वाला हूँ, और आगे आने वाले दिनों में उनके ऊपर और जो जो एलिगेशंस है वो पूरे एविडेंस के साथ, और वो जो हजरात का नाम लिए उसका वो पूरा खुलासा करूँगा इंशाल्लाह। ये पैसे कहाँ दिए आप ले जाकर? ये कोटी के पास जो है एक लॉज है, लक्सेस लॉज बोल के है, रूम नंबर 108 में बुलाए मेरे। कितने टाइम गए आप वहाँ पर लॉज में? मैं 3 बार गया, 2 बार मुलाकात हुई, 1 बार बाहर का बाहर बात करके भेजा। तो रूम उनका वहाँ पर परमानेंट है? नहीं मालूम साहब, उन्होंने वहाँ पर बुलाए वहाँ पर गया, वो जो मैं इतला थी वो पुलिस से शेयर करके वो लोकेशन पर उनको इतला करा, वहाँ पर पुलिस वाले भी साथ में आए, आके उनको अरेस्ट करे। पैसों के साथ? जी पैसों के साथ। आप कुछ बता रहे थे साहब, वो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वो क्या है साहब, इज्जत दवी का जब मैं दावा उनके ऊपर डालूंगा और जो उनके पीछे जो लोग हैं तो उसके लिए मेरे को इंशाल्लाह ऑडियो रिकॉर्डिंग तो रिलीज कर सकते हैं आप? जी जी, उनके ऊपर जो बातचीत करें। जी जी जी, ऑडियो वो तो रिलीज कर सकते हैं, उसके लिए कोई होने होगा? जी जी इंशाल्लाह, मैं बता देता हूँ साहब। अब आप क्या जा रहे हैं गवर्नमेंट से? मैं जो है मैं तेलंगाना पुलिस, जो मेरे हमारे कोतवाल जो सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनका बहुत मनमोहन जो है उन्होंने मेरे, मैं थैंकफुल हूँ उनका, उनकी जो टीम है जो परफेक्ट काम इसको अंजाम दी, और सारी मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। खैर उनका जो भी पर्सनल मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी से कोई अगर उनको एलिगेशन है तो उनके पास कोर्ट है, जा सकते हैं, उन्होंने जो भी करना है जो है कैंसिलेशन कराना है, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो भी बात करना है उन्होंने कोर्ट को जा सकते हैं। पर्सनली मेरी फैमिली के ऊपर करेंगे तो मैं इसके आगे मैं भी अपने तरीके से पर्सनली जाऊंगा, जो भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ जो भी उनका ताउन कर रहे हैं, जो भी उनको अगर हो सकता है कुछ काम दिए होंगे उसकी भी मेरे को नॉलेज है, तो इंशाल्लाह अगर उन्हें जिस तरीके से आएंगे मैं उस तरीके से ज़रूर उनका जो है मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा उनका। आप
ये एक ही चैनल पे चले हैं तो और कई चैनलों ने हैक न्यूज पे डाल के उन्होंने क्या करे साहब, मुख्तलिफ जो चार पांच चैनल आए उसके बाद 10 करके उन्होंने डिमांड करे पैसे, ये पूरों को एक एक लाख रुपए के हिसाब से देना पड़ा। तो जिम्मेदारी जी पूरों की जिम्मेदारी है। मैं बोला भाई आप आपकी बात कर लो बोल के मैं उनको बोला तो एक लाख बोले उन्होंने। हाक न्यूज के अलावा दूसरे चैनल्स के ऊपर डाले 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 उन्होंने चुप बरल कॉपी टू पेस्ट जैसा करना है वो शेयर करे जी जी जो मेरे पास पूरे एविडेंस पूरे पूरे है सब। तो न्यूज चैनल के नाम बता दिए तो मेहरबानी होगी। उसमें है सब पूरे हैदराबाद इमेजेस है, मैं डिटेल दे देता हूँ सब अभी आपको पूरे पूरे डिटेल इसका था लिस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग जो बात मैं देता हूँ वो भी आप डाल लीजिए इंशाल्लाह मैं डाल देता हूँ जरूर डाल केस इनके एक के ऊपर बुवाले पूरे और दूसरे नहीं इन्हों अभी वो मुंह नहीं खोले वहाँ पे पुलिस वालों के सामने जो उन्होंने एक ही जनों के ऊपर हुआ इनके ऊपर अभी वो बाकी का जो मैं और जो इनके ऊपर एलिगेशन है मैं बाकी के सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अप्रोच हुआ हूँ ऑलरेडी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही तहकीकात चल रही और जो पुलिस अपना काम करना था वो काम कर रही है। आपके तालुबात पहले इनसे है क्या इनको पैसा मैं कभी नहीं जाना साहब मैं कभी नहीं जाना उनको एक ही बात बोला मैं बोला भाई अगर आपसे मेरे से कुछ पर्सनल है तो आप मेरे से पर्सनल बात करो लेकिन मेरी फैमिली को आप डैमेज करने के लिए और आप मेरी बहन की फोटो लगा के इस तरीके से कर रहे हैं वो गलत बात है और ये सारी मीडिया को बदनाम कर रहे हैं साहब उनका इंटेंशन पता नहीं क्या है अल्लाह वालम लेकिन उनकी भी फैमिली है उन्हें भी सोचना चाहिए अपने घर में भी उनको भी बेटी है बहन है जो भी है अगर मेरे से कुछ पर्सनल है तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते मेरे दो तीन पंपा है आप पंपे आ सकते मेरे को बुला सकते जहाँ भी मेरे को बुलाए मैं आता हूँ आपके पास लेकिन आप मेरे साथ अगर पर्सनली जो करना चाह रहे हैं जो भी उन साहबों का नाम बोले जो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द क्योंकि उसका भी मेरे पास एविडेंस है उन्होंने जो 20 मिनट मेरे से डिस्कस करे हैं वो पूरा एविडेंस है मेरे पास वो भी इंशाल्लाह मैं जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान नेशनल अवार्ड विनर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी डॉक्टर वासिफ आजम डॉक्टर बारवी चंदोरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है रोबोटिक सर्जरी एडवांस कैथ लैब MRI ऑपरेशन थिएटर ICU 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोजिट टू पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।